नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हुआ, जश्न मन रहा है। इस जश्न की क्या बात है, हर तरफ उपलब्धियों की बरखा है। इस बरखा पे कितनी बात करिए, 130 करोड़ की आबादी को कितना उपकृत किया है मोदी सरकार ने कि इस पर बात करने से भी जी घबराता है। कि कहीं आप ये ना समझ लें कि मैं मंगल ग्रह से बात कर रही हूं, धरती पर मेरे पैर ही नहीं पड़ रहे। बिल्कुल ठीक मोदी सरकार की तरह। सबसे अहम बात जो मोदी सरकार ने भारतीय लोकतंत्र में स्थापित की वह है डिनायल, कि सरकार जब नकार पे जाती है, सरकार जब सच को स्वीकार नहीं करती तो किस तरह से कामकाज होता है। इसके लिए शायद बरसों बरस याद किया जाएगा 2019 से 2020 तक का सफर। इसमें आप पाएंगे सबसे पहली चीज जो मोदी सरकार ने स्थापित की, घबराइए नहीं, हम कोरोना पे नहीं जा रहे, अभी हम बात कर रहे हैं हमारी आपकी प्यारी अर्थव्यवस्था, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दावा किया था कि वह $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था को बनाना चाहते हैं। और इसके लिए तमाम तरह के दावे जो उन्होंने कोरोना काल तक जारी रखे कि भारत को आत्मनिर्भर होना होगा। और इस दौरान आप और हम पाते हैं कि भारत कहां पहुंचा, भारत की अर्थव्यवस्था कहां पहुंची। जिस समय हम और आप बात कर रहे हैं, इस समय जो देश का सकल घरेलू उत्पाद है वह 3% तक पहुंच गया है। और शायद भारत के इतिहास में कम से कम 10-20 साल पीछे की नजर दौड़ाइए, तब तक इतना रसातल में हम नहीं गए थे, हमारी अर्थव्यवस्था नहीं गई थी। इस समय तमाम अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन की ओर जा रही है। लेकिन और मोदी है तो सब कुछ संभव है कि तर्ज पर पिछले एक साल में अर्थशास्त्री कुछ भी करते रहे, देश के जो चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर हैं वो कुछ भी कहते रहे, आरबीआई के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर कुछ भी कहते रहे, लेकिन गाल बजाने की जो परंपरा है वह जस की तस जारी रही। और यहां पर हम सिर्फ कोरोना काल या लॉकडाउन में हुए अर्थव्यवस्था में जो रसातल या मंदी है उसकी बात नहीं कर रहे। 2019 में तमाम जो कोर क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के, बुनियादी क्षेत्र, उनमें जबरदस्त गिरावट आई। और खास तौर से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इतना जबरदस्त रिसेशन आया कि तमाम जो उद्योगपति थे उन्होंने हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी टीम से अपील की कि उन्हें कुछ करना चाहिए। लेकिन हम पाते हैं कि आज की तारीख तक इस दिशा में सरकार ने इस संकट को स्वीकार करना तक सही नहीं समझा। वह कंटिन्यूअसली लगातार डिनायल मोड पर है। और आज भी अगर जो मंत्रीगण बात कर रहे हैं उसे देख के लगता ही नहीं है कि 19 से 20 के बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बैठ गई, करोड़ों लोगों का रोजगार खत्म हो गया। दूसरा जो बहुत अहम बिंदु है जिस पर बात बहुत कुछ होनी चाहिए, बहुत कुछ हो रही है, तमाम मंत्री ये बता रहे हैं कि जो जो उन्होंने दावा किया, चाहे वो राम मंदिर के भव्य निर्माण का, चाहे धारा 370 को हटाने का, या फिर नागरिकता संशोधन कानून, NRC, NPR को, सब कुछ मोदी जी ने एक साल के भीतर लागू कर दिया। बात तो बिल्कुल सही है आपकी, जो आप करना चाहते थे वह आपने कर दिखाया, और जो आप नहीं करना चाहते थे वह आपने बिल्कुल भी नहीं किया। और यही जो सबसे बड़ी सीख भारतीय लोकतंत्र को एक साल में मिली है वह यह कि जो राइट टू डिसेंट है, असहमति का अधिकार जो भारत का संविधान देता है, उसे किस बुरी तरह से क्रश, कुचला जा सकता है। इसके लिए 2019 से 2020 तक का जो साल है वह यादगार साल रहेगा। बहुत सालों तक इसका उल्लेख रहेगा कि अगस्त के बाद से देश का जो अभिन्न हिस्सा है जम्मू और कश्मीर, उसे किस तरह से लॉकडाउन में डाला गया, संविधान की तमाम धाराओं को अपने हिसाब से मोड़कर 370 धारा के साथ खिलवाड़ किया गया। आज भी जब हम आप और बात कर रहे हैं, वहां कश्मीर का जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है
उसे पंगु बना दिया, उसे नजरबंद कर दिया, कुछ लोगों को छोड़ दिया और इस तरह से पूरे देश में कश्मीर फैल गया। और एक चीज के लिए तो देश की महिलाएं निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देंगी, वह यह है कि शायद आजाद भारत में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में औरतें और खास तौर से मुस्लिम औरतें सड़कों पर उतरी। उन्होंने अपने हक हकूक के लिए और सिर्फ अपने ही नहीं पूरे के पूरे लोकतंत्र के लिए, सारी जमहूरियत के लिए, उसे बचाने के लिए और हमारे सेकुलर स्ट्रक्चर को बचाने के लिए आवाज उठाई। कहीं वे बुरके में आई, कहीं वे तंबू के नीचे बैठी, कहीं वे घरों से लेकर सड़कों पर उतरी और इसका प्रतीक बना शाहीन बाग, दिल्ली का शाहीन बाग। जी हां, मैं बात कर रही हूं नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चले ऐतिहासिक आंदोलन की। यह भी तो मोदी सरकार ही की देन रही, जिसे हम कभी भी नहीं भूल सकते, देश की तमाम औरतें नहीं भूल सकती। और इसके साथ साथ CAA के साथ साथ NRC और NPR को लेकर जो पॉलिटिकल डिबेट चली, जो बहस चली, वह भी अपने आप में ऐतिहासिक रही, जिसे सालों तक याद किया जाएगा। लेकिन वहीं इस पूरे आंदोलन को जिस तरह से क्रश किया गया, जिस तरह से कुचला गया, कुचला जा रहा है, जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, UAPA जैसा कानून सब पे थोपा जा रहा है, प्रेग्नेंट महिला एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये सारी चीजें एक साथ इतने कम समय में हो रही हैं कि याद ही नहीं रहता कि किस पर बात करें और किस पर नहीं बात करें। जिस समय पूरा विश्व कोरोना संकट से लड़ रहा है, भारत उससे लड़ रहा है, लॉकडाउन हो रहा है, बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी मानव त्रासदी हो रही है, वहां हम क्या पाते हैं कि लगातार एक के बाद एक के बाद एक झूठ बोला जा रहा है। और इस झूठ को दोहराने का काम इस जश्न के दौरान इन मंत्रियों ने खूब किया। अरे जम के किया साहब। अब आप देखिए ना, जो रेल मंत्री हैं हमारे, उन्हें दिखाई ही नहीं दिया कि कोई मजदूर ट्रेन में मरा, जबकि खुद जो उनके मंत्रालय द्वारा जो आंकड़े हैं वे बता रहे हैं कि मौतों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, जिन हालात में वहां लोग जा रहे हैं, मर रहे हैं, वे सब भारतीय नागरिक हैं। लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं, अरे भाई आप क्यों घूमने जा रहे हैं, अभी मत जाइए, बहुत जरूरी काम हो तभी जाइए। ये बेचारे मजदूर क्या करें, समझते ही नहीं मंत्री जी की बात। ये जो उपेक्षा भारतीय नागरिक की इन्होंने की है कोरोना काल में, इसके लिए भी यह साल हमेशा याद रखा जाना चाहिए। जिस तरह से लोग मर रहे हैं, मां मर गई है और बच्चे पानी डाल रहे हैं उसकी लाश के ऊपर, मां मर गई है और बच्चा उसके आंचल से खेल रहा है, ये सब कुछ याद रखा जाएगा मोदी जी। देश की जनता इतने आराम से यह भूलेगी नहीं। यह एक क्रिमिनल निग्लिजेंस है जो आपने इस देश की जनता पर किया है मोदी जी। जो कुछ हमारे सामने दिखा रहा है, आपकी जितनी भी उपलब्धियां हैं, जितने भी गाल बजाते हुए मंत्रियों के दावे हैं, इसके लिए आप जितने भी खुश हों, लोकतंत्र को बचाने वाले, संविधान में विश्वास रखने वाले, उसे जिंदा रखने वाले, उतने ही चिंतित हैं और वे चिंतित रहेंगे। शुक्रिया।